यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। एक ग्रुप के साथ फोटो पड़ा हो तो दूसरे ग्रुप वाले गायब हो जाते हैं। एक्चुअली प्रैंक करते हैं सबने। नेपाल में हेलो बोलो, खुद ही खुद की बेइज्जती करते हो। इसमें तो पहले ही कर दी मेरी बेइज्जती, अब क्या है। मैं मार खाने वाला हूँ थोड़ी देर। आंटी मींस अभी ने जिनको अवॉइड किया है बस वो तो मेरे को अवॉइड ही करता है। अपना फोन चार्ज करने के बाद वापस से हमने एंट्री ले ली है कॉलेज में। हम तीनों गए थे हॉस्टल, पहले मैं गया था, मैंने खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है, इन सब ने भी खाना खा लिया है। ये मेरे क्लासमेट्स यसरार, ये फैजान। लाइक करो, फॉलो करो भाई को। और यहाँ पे मरम्मत चल रही है उनके चप्पल की। मेरे शूज भी कल मैंने तोड़ दिए थे डांस करते करते। तो बाय बाय, मिलते बाद में। चलो बाय बाय, चलो। एक ग्रुप के साथ फोटो पड़ा हो तो दूसरे ग्रुप वाले गायब हो जाते हैं। अब मुझे इन्हें ढूंढने में ही आधा घंटा लगने वाला है। पता नहीं कहाँ चले गए ये सब। सभी लोग फोटो शूट में, इसलिए यहाँ पे कोई इवेंट अभी नहीं चल रहा है। बाद में होगी डीजे पार्टी। स्क्रीन भी बंद है, लोग भी बिजी है, तो जाते हैं। दो ब्लॉगर एक साथ ब्लॉगिंग शूट कर रहे हैं। लाइक इट्स वेरी हार्ड टू शूट। और ये वॉलेंटियर से मिलो, ये ना खाने देते, ना पीने देते, ना कॉल करने देते। पता नहीं कौन हायर करता है, बहुत तकलीफ देते हैं। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है हमारी पोजीशन? लेकिन बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम भी यहीं पे थे। इनको करो जल्दी स्टार्ट कर दे। आज कर देंगे स्टार्ट। वो सभी लोग ना फोटो शूट कर रहे हैं ना, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा। अभी तो बिजी लोग हैं, क्या कर सकते हैं। तैयार हो क्या? आप अपना कंटिन्यू रखो, हम लोग जाते हैं। बिजी, सॉरी फॉर अपने बॉडी, उनको डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब कर दिया, एक्चुअली प्रैंक करते हैं सबसे। ऊपर जाके करते हैं झील पे, रूम पे प्रैक्टिस नहीं है। पर तो क्या पे, क्या क्या प्रैक्टिस नहीं जाने वाला? नहीं जाना प्रैक्टिस, नहीं जाना प्रैक्टिस। तो सबको बुलाना, कुछ करते हैं, सबको बुलाते। यहाँ पे अभी हमको कोई मिल चुका है। ये लड़की को देखो, ये लड़की को देखो। तू कस कुछ कर, ठुमक ठुमक कर जब भी। एक्चुअली सी इज फ्रॉम नेपाल। ओके, से हाय। सीरियसली? यस। नेपाल में हेलो बोलो। इन लोगों को लगी है भूख, और यू नो व्हाट, मैं खाना खा के आया हूँ, पूरा खाना खा के आया हूँ। बोल रहा है तुम लोगों को कभी भी भूख लगती है, खुद खाना खा के आए। मैं तो फुल खाना खा के आया हूँ, लाइक ऊंधियू था, रायता भी था, रायता भी था। हॉस्टलर्स का फायदा, लड़की का फायदा नहीं, लड़की फायदा उठाती। व्हाट डू यू मीन बाय लड़की का फायदा? ये लड़की होने का फायदा उठा रही है सर। एक्चुअली हमने इसकी तारीफ की कि स्वर्ग से उतरी हुई आंटी लग रही हो, तो इसको बुरा लग गया। मैं मार खाने वाला हूँ थोड़ी देर में। आंटी मींस कपल्स लोगों के लिए नई जगह खुल गई है कैंपस में, कैंटीन। बाजार पहले से ही था बट उसको रिनोवेशन किया। अच्छा, और हम अभी एक गेम खेलने वाले हैं। कौन सी? सामने वाले पर्सन के हाथ पीछे होंगे और पीछे वाला उसके हैंड साइज से एक्सप्लेन करेगा बातों को। डन। और अभी का स्टार्ट होने वाला इवेंट यहाँ पे। जल्दी स्टार्ट कर दे तो हम जल्दी डांस करें और जल्दी अपना हुलिया बिगाड़े। और आप देख सकते हो सभी लोग ट्रेडिशनल, फुल ट्रेडिशनल। कोई महाराष्ट्रियन बनाए, कोई और बनाए, कोई अलग कल्चर का फॉलो किया हुआ है। अभी मैं जिस पर्सन को आपको मिलवाने वाला हूँ, वो मेरे फर्स्ट सीनियर थे जिनके साथ मेरी दोस्ती हुई है। हेलो हेलो, यशवी यशवी, से हाय। इनको ये मेरे फर्स्ट सीनियर है जो दोस्त बने थे। इन्होंने ही मेरा स्टेज फियर निकाला है, ऐसा कहो तो चले। ग्राफिटी करने में भी, इसकी ग्राफिटी की वजह से इसने एंकरिंग छोड़ा था पिछली बार। यस, आर्टिस्ट फर्स्ट हूँ ना मैं। बट अच्छा किया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलो मिलते हैं भाई भाई। बाय बाय। बोल रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा था तू? भाई बढ़िया, कैसा है भाई तू? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो? बढ़िया, वीडियो बना भाई तू। ये पूरा सुबह से शाम तक वॉलेंटियरिंग करता रहता है, अभी भी कॉल पे ही बात कर रहे हैं। जाना पड़े ना बड़े लोग, बड़े लोग, बड़े लोग तो ब्लॉग बना रहे हैं। ब्रदर हमें लव एडवाइस देने वाले अभी थोड़ी देर में। बोलो बस,
क्या और थोड़ी दे दो और बाद में ऑडियंस के लिए रिपीट कर दो। अरे कर दो यार, रिपीट कर दो। दो दो शब्द कह दो। आप जैसा करो वैसा। बने रहिए ब्लॉग में आगे। हम यहाँ पे सब्सक्राइब करवा रहे अपनी चैनल को। ये भी कोई तरीका है भीख मांगने का? बस सब्सक्राइबर अच्छे है हमारे, कर देते हैं। और ये देखो कौन है, ये ऐसे मुंह पे दुपट्टा मत मारो, फट जाएगा। हेलो, इधर है। और अभी मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे सिल्वर रॉक के सिंगर से, मीट चिराग भाई। इनको बोला जल्दी इवेंट स्टार्ट कर दे। हाँ जल्दी से इवेंट स्टार्ट करो, क्योंकि हमें भी पार्टिसिपेट करना है उसमें। वो क्या बोलते हैं उसके, रैंप वॉक। हाँ हमें भी रैंप वॉक में पार्टिसिपेट करना है और डांस भी करना है। ओके ओके, तो आगे मिलते हैं। ओके। और एक सैड न्यूज मिली अभी कि आज खास कोई डांस और गरबा वगैरह नहीं होने वाला है। लुक एट दिस सेवा भावी इंसान जो हमारी कॉफी लेके खड़ा था। बादल चेंज कर दिया यार। शुक्रिया शुक्रिया। ब्लॉग में आवानु रह गयो तू तमारो। आज डांस नहीं करावाना तो तू क्या मांगो छो? तो कुछ नहीं, अच्छा है ना, ट्रेडिशनल पहनने का कुछ तो फायदा होगा। कमेंट कर दो ये भी कैसे लग रहे हैं। इसके बाल को इसने कलर करवाया था, देखो गार्नियर का स्पॉन्सर करवा रहे हम लोग। खुद ही खुद की बेइज्जती करते हो। इसने तो पहले ही कर दी मेरी बेइज्जती, अब क्या। सिल्वर ओक में सब मिलता है, आइसक्रीम से लेके टॉफी से लेके खाने से लेके सब कुछ, यहाँ तक कि कपकेक भी मिल जाएगी आपको। पूरी कैंटीन है और ये ऊपर भी है कैंटीन, मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर। रूफ टॉप भी है, ऊपर भी बैठ लो नीचे भी बैठ लो। पता नहीं हमारे दोस्त लोग अंदर क्या कर रहे हैं। आज मेरू की बर्थडे है, आज मेरू सबको फ्री में खिला रहा है। हाई बेब्स, हाई बेब्स। अरे नहीं यार। और ये स्नैप लेते हुए एक स्नैप लेके क्या मिला, क्या मिला स्नैप लेके? अरे चेहरा तो दिखाई दो। कैंटीन तक जाने का रास्ता यहाँ से। आज सारी कैंटीन घूम लेते, मेरे हाथ में आइसक्रीम। और ये कैंपस बी ब्लॉक के सामने की कैंटीन। आधे से ज़्यादा पब्लिक अभी यहाँ पे ही रहने वाली है। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आने वाला है। मोदक, अरे मोदक भाई, रिव्यू बोलो कैंटीन का। तारी बात करे ब्लॉग में, बात करे तू बात। ये भैया ब्लॉग में आना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो? इंट्रो कर दो अपना। हाँ थोड़ा जोर से। अच्छा यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है इनका। ब्लॉग कभी देखे लड़कियाँ इतना खर्चा करती हुई? लाइक हम सबको पार्टी दे रही है दोनों, नैमी और बनी। अलग ए मेरिया, लड़कियों से पार्टी ले रहे हो, कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।
कॉलेज के कैंपस में लगा हुआ है गार्नियर का कैंपस इवेंट। इधर अंदर कलर करने से पहले हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसलिए हमें नहीं जाना। अब इतनी कोशिश कौन करेगा। गुड न्यूज, गरबा स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे गरबा स्टार्ट हो चुके हैं। नीचे गरबा चल ही रहे हैं, पर हमें डांस की मीटिंग के लिए ऊपर बुलाया है विशाल सर ने, तो जल्दी से जाते ऊपर, मीटिंग कंप्लीट करते हैं, फिर से डांस करने नीचे जाते। डांस थोड़ी कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं गरबा। लाइक गुजरात में रहो और गरबा ना हो ऐसा नहीं हो सकता, और हमको लगा नहीं था कि ये लोग गरबा करवाने वाले हैं, पर ऐसा ही ख्याल रख रहा है हमारा। तो जाते डांस की मीटिंग कंप्लीट करते हैं, फिर से नीचे जाते डांस करने के लिए। मिलते हैं ग्रुप के तेजस्वी लोगों से मिलिया। जरा कहिए तो आचल जी, क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, इसको बोला मैं कभी ऊपर लेके ऊपर चलते हैं, सबसे पूछते हैं कि कल प्रैक्टिस है कि नहीं आना है। इस लड़की ने मेरे को सरपंच के पास जाकर मुझे झूठा दिया, सबसे बनती है। तो मैंने कहा कि सर कल प्रैक्टिस है, जिसने बोला अपना ये अभी क्या भैया और भी प्रैक्टिस करो, सबको बुला जो साड़ी में नाचना है गाइस। और इसी बीच साड़ी में देख रहे हैं तुम लोग को नाचते हुए, कैसे तुम नाचते हो? ये सेंटेंस जरा गलत साउंड कर रहा है, पर फिर भी हमें डांस प्रैक्टिस करवानी है सर को। बहुत गंदा साउंड कर रहा है। मेंटोस का मेंटोस कॉल उठा लो। सब इसकी गलती है, हट जा। मैंने कुछ नहीं किया इस लड़की। वो आवारा लड़का देख रहे हो? ए दुखी आत्मा, ए रुद्र, प्रैक्टिस के लिए आने के बाद सर को ही नीचे लेके जा रहे हम लोग। ये दो क्या बता, अच्छे टाइम पे नहीं आते हैं सर। हम लोग कल हम सब डाट खाने वाले, हम सभी डाट खाने वाले। आपकी परमिशन? नहीं, हम नहीं खाएंगे भाई, हम चार डाट नहीं खाएंगे। कल प्रैक्टिस होगी कि नहीं अभी? आज आपने तो हमें डाट प्रैक्टिस के लिए बुलाया। अभी सर और हम सब जा रहे हैं गरबा करने। सर पार्टी स्टार्ट हो गई है, एक्चुअली गरबा पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, और ये रही हमारी पब्लिक। अभी तो पता है मेरा मूड नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा है, बट अभी बन जाएगा, मूड बन जाएगा। वामसी को देखो कैसा लग रहा है। पे एक नुकसान होते हुए मेरी हालत भी कुछ ऐसी थी, फोन की कवर गया, डिस्प्ले भी साथ छोड़ के गई। मोए भाई घर पे तो बोले प्रीमियम लेके आए, प्रीमियम लेके आओ ला रहे हैं। मेरा फोन ले लो। ये देखो ऐड दिखाता हूं आपको, ये ऐड चालू है, ये रहा जो आज करता हूं। और यहाँ पे झील अवॉइड हो गई है, झील को अंदर लाते हैं, झील अवॉइड की है अभी ने, झील को अवॉइड किया है। बस वो तो मेरे को अवॉइड ही करता है। मीट साक्षी, ये इतने दिनों बाद मिली है हमें।
आंटी। ओ हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय आंटी? मैं मार खा सकता हूँ इसलिए नहीं बोलने वाला, मैं नहीं बोलने वाला अभी। इवेंट खत्म हो गया लगता है। ए डाकला बजाने बोल, डाकला बजाने बोल, डाकला। डांस कंप्लीट हो गया है, गरबा कंप्लीट हो गए, और अभी पता नहीं सबको सिटी मार के बाहर निकाल रहे हो। ध्रुवीन भाई को देख लो, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बैग लेने आए थे पर बैग तो मिला नहीं। और आज कब लोग यहीं तक था, तब तक चिल करो, आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही ब्लॉग के कंटेंट देखते रहो। डेज ख़त्म हो गए लेकिन जुनून की डांस प्रैक्टिस हमारी चालू ही है, तो बने रही आगे ब्लॉग में। हमारी एक साल पहले की हुई ग्राफिटी, ये भी है हमारी और ये हमारी, ये मेरे खुद के दो डिज़ाइन है। ये बाइकर गैंग जा रही है, स्कूटी गैंग यहाँ पे एम ए मोड़ू बांधे लूचे तारू। ये डाका डालने जा रहे हैं ये लोग, ये देखो ये तीन लोग। आज सभी के फ़ोटोज़ मेरे फ़ोन में क्लिक किए, और सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि फ़ोटो खींचने के बाद आपको उसे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे सेंड करना होता है, लाइक सबसे हार्डेस्ट थिंग है ये।